गुड इवनिंग नमस्ते राम राम एंड जय हिंद एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन जल्दी जल्दी फटाफट से अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो भाई आस पास के बच्चों को आपके गाँव में आपके हॉस्टल में आपके पीजे में आसपास जो भी बच्चों हो, बच्चे हो उनके साथ में शेयर कर दो फटाफट फड़ से सारे आ जाओ ये बहुत बेसिक से हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस हम फॉर्म करेंगे ये मत उम्मीद करना कि आज की क्लास लेके आप जीडी में एकदम तोड़फोड़ मचा दो आग लगा दोगे ठीक है लेकिन हाँ आग लगाने की तैयारी हम आज से जरूर शुरू कर देंगे ठीक है आग लगाने की तैयारी हम जरूर शुरू कर देंगे आज से और सारे बच्चों याद रखना मैं जो कुछ भी आपको कह रहे हूँ आपको सेंटेंसेस ट्राई भी करना है आपको खुद भी ट्राई करना है ओके क्लियर हम जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आप सीखेंगे तभी ही जब आप लोग मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे हिस्सा लेंगे ठीक है सो साथ देने के साथ देने के लिए तैयार एवरी वन आर यू रेडी आज श्री गणेश हो ही गया एप्सल्यूटली श्री गणेश हो ही गया ठीक है रेडी एवरी वन चलो फटाफट फड़ से शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो सारे बच्चों जल्दी 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 आ जाओ ओके okay? अच्छा सबसे पहला सबसे पहला सेंटेंस हम स्पोकन इंग्लिश का हर एक क्लास एक सेंटेंस से शुरू करेंगे ठीक है एक सेंटेंस से हम लोग स्पोकन क्लास शुरू करने वाले हैं मैं इंग्लिश अच्छे से बोल सकता हूं और बोलूंगा ठीक है मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकता हूं यानी कि आपके अंदर काबिलियत है और बोलूंगा भी बताओ इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे इंग्लिश में कैसे लिखोगे मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकता हूं और बोल के रहूंगा बोलूंगा भी बताओ कैसे लिखेंगे इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज जब आप बिना रुके बहुत स्मूथली बोलते हो तो उसके लिए हमने पढ़ा ही है हम क्या कहते हैं फ्लुएंट ठीक है वर्ब की विशेषता बता रहे हो फ्लुएंटली ठीक है आई कैन एंड विल आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लूएंटली आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली सारे बच्चों एक बार फटाफट से और मेरे साथ साथ आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लूएंटली आई कैन मतलब मेरे अंदर क्षमता है एंड आई विल मतलब मैं बोल के रहूंगा सीख के रहूंगा जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उन्हें हटा देंगे उन्हें दूर भगा देंगे Spoken English की हर क्लास हम इसी positive के साथ में शुरू करेंगे जितनी पॉजिटिविटी आप अपनी पढ़ाई में अपने दिमाग में अपनी पर्सनालिटी में रखोगे वो आपको रिजल्ट भी दिखेगा पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखेगा आपको आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली सारे बच्चों और एक बार बोलेंगे भी एक बार बोलेंगे भी सिर्फ टाइप नहीं करना है टाइप करने के साथ साथ बोलेंगे भी ठीक है आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ओके एवरी वन चलो भाई इसी के साथ में इसी जोश के साथ में हम शुरू करते हैं आज की क्लास इसी जोश के साथ में हम लोग आज की पहली क्लास शुरू करते हैं ओके okay? सो so, देखो मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रही हूं में वन मिनट यहाँ पे बच्चों तब तक आप फटाफट से शेयर करके आ जाओ यहां पर स्लाइड हैंग कर गया है हाफ एन आवर का प्रैक्टिस हम लोग हर रोज करने वाले हैं ठीक है जब तक आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ठीक है कोई भी हैबिट कोई भी सक्सेसफुल हैबिट डेवलप होने के लिए 21 डेज चाहिए होता है साइंटिफिकली प्रोवन है साइंटिफिकली प्रोवन है कि कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए 21. अगर कोई आदत बनाने के लिए 21 दिन की आवश्यकता है तो अगर कोई आप स्किल सीखना चाहते हैं कोई भी स्किल ये एक स्किल है ठीक है ये कला है अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं तो मिनिमम ट्वेंटी तो लगेगा ठीक है लेकिन आप सीख रहे हैं या नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है ना या नहीं ये आपको दस दिन या दस दिन भी नहीं एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाएगा ठीक है एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाएगा ओके चेंज mm -hmm, so, मेरा इंट्रोडक्शन मैंने कहा मैं सुमन हूं और मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है आई एम सुमन शर्मा मेरा नाम सुमन शर्मा है आई एम सुम सुमन शर्मा एंड आई एम हियर मैं यहां हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है आई लव टू टीच आप मुझे बताइए आप यहां क्यों हैं? अपना इंट्रोडक्शन सारे बच्चों अपना इंट्रोडक्शन दो और मुझे आप बताओ कि यहां पे आप क्यों हैं? अपना यहां पर होने का पर्पस आपका यहां पर होने का लक्ष्य उद्देश्य और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए सिंपल इंट्रोडक्शन ठीक है सिंपल इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं यहां पर क्यों हूं ठीक है आई एम हियर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूं आई एम सुमन शर्मा एंड आई एम हियर मैं यहां हूं बिकॉज आई लव टू टीच क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है ठीक है चलो आप मुझे बताएंगे कि आप आप मुझे बताएंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आप यहां पर क्यों हैं, ठीक है ऑल राइट right, चलो वाव टी-शर्ट एब्सल्यूटली दिस इज अ वाव टी शर्ट एंड मैं बीच बीच में अवार्ड्स अनाउंस करती रहूंगी और उन स्टूडेंट्स को ये टी शर्ट मिलते रहेंगे ठीक है मैं बीच-बीच में कुछ कुछ अनाउंस करती रहूंगी अवॉर्ड प्रॉब्लम विद्लाइट जस्ट गिव मी वन मिनट स्टूडेंट जस्ट गिव मी वन मिनट हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो गया चलो चलो राइट सो right. so, देखो कैसे इंट्रोड्यूस किया मैंने हेलो आई एम सुमन शर्मा सिंपल सा ठीक है बहुत ज्यादा हाईफाई बनने के चक्कर में कभी कभी आप लोग अपना इमेज इंप्रेशन खराब कर लेते हो है ना बहुत सिंपल से शुरुआत करो इससे आप शुरुआत करो और देखो आप कितना इंप्रेस करते जाओगे अपने आसपास के लोगों को और खासकर जिसे आप इंप्रेस करना चाहते हैं ठीक है सो हेलो आई एम सुमन शर्मा आई एम हियर मैं यहां हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच जब भी आप किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं ये बहुत प्यारा सा शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं ठीक है सो हेलो आई एम सुमन शर्मा एंड आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच ओके चलो अब शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा सेंटेंस ठीक है सबसे पहला हमारा सेंटेंस सेंटेंसरी पाठशाला आप सीरीन पाठशाला चैनल पर आए हैं ठीक है ठेके? मैं आपको कहना चाहती हूं कि बच्चों बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करो सबसे पहले मैं आपको बता दू इंग्लिश बोलना और एग्जाम के लिए इंग्लिश सीखना दोनों में अंतर है ठीक है जब आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं ठीक है ठेके? या इंग्लिश जब आप बोल रहे हैं तो ग्रामर की थोड़ी बहुत गलतियां चल जाएंगी ठीक है उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता बस आप इतना फ्लो में बोल दीजिए इतना स्मूथली आप बोल दीजिए कि सामने वाले को गलतियां पता ही ना चले या कई बार सामने वाले को गलतियां पता भी चलता है तो वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है इसका मतलब स्पोकन इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है फ्लो में बोलना स्पोकन इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है फ्लो में बोलना और फ्लो में बोलने के लिए आपको सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए ठीक है फ्लो में बोलने के लिए बस सेंटेंस का हमें कंस्ट्रक्शन सही रखना है यानी कि पहले सब्जेक्ट बोलना है फिर वर्ब दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के स्पोकन इंग्लिश के लिए एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ठीक है और दूसरा है आप लोगों का टेंसेज एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसे. अगर इन दोनों टॉपिक्स पर आपका कमांड है ये दोनों टॉपिक्स पर आपका कमांड है तो यकीन मानिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं आप बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हैं ठीक है और जितनी वोकैबलरी सीखते जाएंगे उतनी शानदार इंग्लिश बोल सकते हैं जितनी वकैबलरी आप सीख लेंगे उतनी शानदार इंग्लिश बोल सकते हैं सो आई हैव आई एम मोहित यादव एंड आई एम स्पोकन प्रैक्टिस कैसे करें ठीक है फ्लो yes, चाहिए फ्लो के लिए आप लोगों को बस थोड़ा सा कनेक्टेड रहना है प्रैक्टिस करना है ईमानदारी से कितने बच्चे करते हैं मैं आपको हूं कि एक महीना सिर्फ एक महीना आप लोग रेगुलर मेरी क्लास लो और आप लोगों को इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ठीक है मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ और आपको भी मुझे promise करना पड़ेगा आप प्रॉमिस करिए कि आप शुरुआत से लेके अंत तक मेरी क्लास देखेंगे पहली बात और दूसरी बात

बिल्कुल ईमानदारी से करोगे बताओ कितने बच्चे प्रॉमिस करते हैं यस पक्का पक्का वाला मैं आपको प्रॉमिस करती हूं एक महीने में आप लोग आप लोगों को इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा पक्का वाला प्रॉमिस है ठीक है चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है अब देखो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि ये चैनल जो है इसे अपना ही घर समझो जैसे हम अपने घर पर कंफर्टेबल रहते हैं तो वैसे ही बिल्कुल यहां पर कंफर्टेबल रहिए ठीक है जैसे आप अपने घर में कंफर्टेबल रहते हैं वैसे ही यहां पे भी कंफर्टेबल अपना ही घर समझिए इसका मतलब क्या कि बिल्कुल कंफर्टेबल रहो क्यों परेशान हो रहे हो ठीक है तो इसे भी मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ कि इसे अपना ही घर समझो ठीक है जस्ट थिंक यू आर टॉकिंग टू योर सिस्टर से बात कर रहे हैं है, 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 फिर इसी बात को सही तरीके से कैसे बोलना है वो भी हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे उसका भी आप प्रैक्टिस करेंगे ठीक है चलो इसे अपना ही घर समझिए कैसे बोलेंगे बताओ इसे अपना ही घर समझिए कैसे बोलेंगे बताओ यस yes. Uh, consider इट एज योर चैनल ओके consider इट एज योर चैनल ठीक है और क्या बोलेंगे बताओ consider इट एज योर ओन house, हाउस ओके ठीक है तुषार तो सिंह बहुत बेसिक सा सेंटेंस आपने बोल दिया है ना consider इट एज योर होम कंसिडर इट एज योर हाउस ठीक है अब देखो हम जिस घर में रहते हैं उसे हम होम कहते हैं हम जिस घर में रहते हैं उसे हम होम कहते हैं ठीक है हाउस का तो मतलब है सिर्फ चार दीवारी वाला घर ठीक है लेकिन जहां पर आप अपने परिवार के साथ में रहते हैं उसे हम कहते हैं होम ठीक है अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कंसिडर इट एज योर हाउस जिनको ये फर्क पता है हाउस और होम का तो वो बोलेंगे कंसिडर इट योर ओन होम ठीक है टेक इट इजी टेक इट इजी ओके ठीक है ये तो ठीक है फील लाइक योअर होम अपने घर जैसा फील करो दिस इज योर ओन होम तुम्हारा ही तो घर है ओके ठीक है यस वेरी गुड जसवंत सिंह ने बिल्कुल सही कहा है बहुत प्यारा सा सेंटेंस, बहुत प्यारा प्यारा सा 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 सेंटेंस सेंटेंस छोटा अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि अपना ही घर समझिए अगर आप किसी को कहना चाहते हैं अपना ही घर समझिए तो एक बहुत प्यारा सा छोटा सा सेंटेंस है फील एट होम सारे बच्चे मेरे साथ में बोलेंगे फील एट होम ठीक है अगर आप किसी को यह कहना चाहते हैं कि यार कंफर्टेबल रहे अपना ही घर समझ ठीक है तो आप क्या कहेंगे फील एट होम मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल मेक योर सेल्फ एट होम ठीक है सो so, ये छोटा सा सेंटेंस याद रखो छोटे छोटे डेली लाइफ में आने वाले सेंटेंसेस हम बोलते जाएंगे सीखते जाएंगे ठीक है इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल आप आप ज्वाइन कर लेंगे जहां पे आप लोगों को ये छोटे छोटे डेली लाइफ सेंटेंसेस का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल है ऑल राइट right, चलो सो so, इसे अपना ही घर समझिए फील एट होम सारे बच्चों एक बार बोलेंगे बोल देंगे ठीक है बोलो ओरली प्रोनाउस करो मैं नहीं देख पा रही हूं आपने लेकिन मुझे वादा किया है कि आप ईमानदारी से बोलेंगे प्रोनाउंस करेंगे फील एट होम फील एट होम मेरे साथ साथ प्रोन्स करेंगे फील एट होम वेरी गुड बहुत अच्छे ठीक है चलो बहुत बढ़िया अच्छा दूसरा सेंटेंस देखो यह किताब धड़ाधड़ बिक गई आपको पता है ना कि मेरा एयरफोर्स एक्स वाई का हंड्रेड

फील एट फील एट होम दैट इट आगे पीछे कुछ नहीं फील एट होम थिंक ऑफ इट एज योर होम वगैरह नहीं ठीक है फील एट होम दैट्स इट ठीक है यकीन मानिए स्पोकन इंग्लिश बहुत ईजी है बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है और आपका कॉन्फिडेंस मैं बढ़ा दूंगी चिंता मत करो एक महीने खाली आपको रेगुलर मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है ठीक है ओके वेरी गुड नई मलिक वेरी गुड दिस बुक सेल्स सेल्स नहीं कहेंगे सेल्स ठीक है सेल्स अब यहां पर बिक गई मैंने बोला है ठीक है बिक गई मैंने बोला है मतलब एक्शन हो चुका है तो सेल वर्ब का क्रिया आपका देखो हिंदी में क्या होता है आपकी क्रिया हमेशा सेंटेंस के अंत में आता है है ठीक लेकिन हमारा इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसा होता है बच्चों इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पहले सब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद वर्ब आएगा फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट हिंदी में क्या होता है कि हमारी जो क्रिया होती है वो बिल्कुल लास्ट में होती है जैसे यहां बिक गई सोल्ड एक्शन हो चुका है सोल्ड ये कहां पे आएगा यहां पे आएगा क्या बिक गया है यह किताब ठीक है सो दिस बुक सोल्ड ठीक है दिस बुक सोल्ड अब धड़ाधड़ के लिए आप बोलेंगे मैम ये धड़ाधड़ के लिए अब क्या करें ठीक है अब यहीं पे काम आ जाता है आप लोगों का थोड़ा सा वोबलरी और इसीलिए आप लोगों को वकैबलरी बहुत शानदार रखनी है ठीक है वकैबलरी भी हम लोग पढ़ रहे हैं रैपिडली ठीक है वक, तेजी से रैपिडली ये सब वर्ड आप यूज करते हैं ना एक बहुत शानदार सा कोई चीज जो बहुत ज्यादा तेजी से बिक जाए मार्केट में आते ही फटाफट बिक जाए है ना तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे देखो दिस बुक इज सेलिंग ज सेलिंग तो मैं प्रेजेंट में बोलूंगी मतलब बिक रहा है ठीक है अब अगर मुझे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर मुझे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मुझे इसका इंग्लिश लिखना होगा तो मैं लिखूंगी दिस बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स दिस बुक सोल्ड लाइक ठीक है इसके टेंस, टेंस साथ -साथ तैयार करवाते चलूंगी काफी छोटी बातों का ध्यान देना होता है थीके? अब ये मत सोचिए जो भी बच्चे ये कि मुझे ग्रामर नहीं आता मैम मेरा तो ग्रामर ही पूरा नहीं हुआ है मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा कि नहीं मैं कैसे बोलूँ सो so, यकीन मानिए इंग्लिश बोलने के लिए आप लोगों को कंप्लीट ग्रामर जानना जरूरी नहीं है ठीक है मेरे साथ साथ डेली लाइफ के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप सीखते जाएंगे छोटे छोटे डेली लाइफ के सेंटेंसेस और इन डेली लाइफ के सेंटेंसेस के साथ साथ हम लोग थोड़ा बहुत ग्रामर थोड़ा बहुत ग्रामर जो स्पोकन के लिए जरूरी है वो हम सीख लेंगे ठीक है ओके सो दिस बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स ठीक है यह, यह किताब धड़ाधड़ बिक रही है दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे एक बार आप लोग ईमानदारी पूरी दिखाएंगे जो भी बच्चे सच्चे दिल से एक बार के लिए यह डर बस खत्म ही कर देते हैं कि हम इंग्लिश नहीं आता हम इंग्लिश बोल नहीं सकते सामने इंग्लिश कोई बोले तो तुम अपना जो आता है चीज वो भी भूल जाओ ये डर यह प्रॉब्लम ये झंझट हमेशा के लिए ही बस खत्म कर देते हैं ठीक है ओके थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए

अंग्रेजी बिल्कुल खत्म ठीक है चलो अच्छा अगला सेंटेंस अगला सेंटेंस मुझे मक्खन मत लगाओ है ना जिनको भी आपसे कुछ काम लग, निकलवाना रहेगा वो क्या करेंगे मस्का लगाते हैं है, है ना अगर आपको किसी को कहना है बस बस रहने दे मस्के मत लगा ठीक है मुझे मक्खन मत लगाओ तो कैसे कहेंगे आप इसको ये बताओ अगर आपको कहना है बस बस रहने दे ज्यादा मस्के नहीं लगा ठीक है कैसे कहेंगे ओके चलो देखते हैं अगर आपको कहना है कि चलो चलो ठीक है ठीक है बहुत हो गया मस्के नहीं लगाओ कैसे बोलेंगे बताओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं सूरज कुमार कोई बात नहीं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा खासकर अपने आसपास के फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो क्योंकि यहां पे हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है इसको प्रैक्टिस करने के लिए देखो इंग्लिश अगर आप लोगों को नहीं आता है तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही होती है कि आप लोगों को माहौल नहीं मिलता है ठीक है माहौल का मतलब क्या आपके आसपास आपका लोकल लैंग्वेज आपका मदर टंग आपका रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं इंग्लिश बोलने वाले लोग आसपास नहीं मिलते हैं है ना और इसीलिए आप प्रैक्टिस नहीं कर

अच्छा मना किया है कोई चीज मना किया है तो वो हम हमेशा डोंट से शुरू करते हैं ठीक है डोंट से शुरू करते हैं और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा किसी भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा ठीक है डोंट देखो फ्लैटर वर्ब है फ्लैटर वर्ब है ठीक है तो हम उसको वी वन फॉर्म में लिखेंगे ठीक है डोंट वी वन डोन्ट वी वन ठीक है या फिर दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं स्टॉप बंद करो मुझे मक्खन लगाना बंद करो ठीक है स्टॉप स्टॉप के बाद में याद रखना आपको प्लस प्लस कहना कहना है है स्टॉप के बाद में आपको रिमेंबर स्कूल में जब टीचर आपको कहती थी बात करना बंद करो तो क्या कहती थी स्टॉप टॉकिंग ठीक है जब वो कहती थी टीचर कहती थी या कहता था जब मास्टर जी कहते थे शोर मचाना बंद करो तो क्या कहते थे स्टॉप मेकिंग नॉइज ठीक है स्टॉप मेकिंग तो अगर आप किसी को रोकना चाह रहे हैं स्टॉप से अपना सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो आगे की क्रिया वी वन प्लस ठीक है या फिर आप डोंट डोंट के के बाद में लिखेंगे, don't के बाद में में लिखेंगे लिखेंगे चलो आ जाओ देखते हैं हम लोग यहां पे सेंटेंस क्या है डोंट फ्लैटर मी देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे डोंट फ्लैटरिंग मी है ना सो डोंट फ्लैटरिंग मी नहीं आपने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया था डोंट और स्टॉप वाले कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया था ठीक है स्टॉप प्लस आता है वेरी गुड बहुत अच्छे ठीक है तो हमने क्या कहा डोंट फ्लैटर मी या फिर आप कहेंगे स्टॉप फ्लैटरिंग मी ठीक है डोंट यस डोंट फ्लैटर मी या स्टॉप फ्लैटरिंग मी वेरी गुड अब फ्लैटरिंग के लिए और भी बहुत सारे शब्द हैं बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं और यकीन मानिए जैसे जैसे वो सीखोगे ना वैसे वैसे और अच्छी इंग्लिश बोलोगे और मजा ही आ जाएगा आप कहेंगे कि मैम शुरू तो किया था मजबूरी में लेकिन अब मजा आ रहा है ठीक है आप कहेंगे कि मैम शुरू तो किया था मजबूरी में क्योंकि जी फेस करना था इंटरव्यू फेस करना था कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था लेकिन अब मजा आ रहा है ठीक है सो डोंट फ्लैटर मी कहेंगे या तो कहेंगे डोंट फ्लैटर मी या तो कहेंगे स्टॉप फ्लैटरिंग मी या तो कहेंगे स्टॉप flattering me ठीक है अच्छा एक और वर्ड है एक और वर्ड है मेरे साथ-साथ दोनों सेंटेंस बोलते चलेंगे ओके चलो एक और वर्ड है बटर अप करना ठीक है बटर अप करना मतलब मस्का लगाना राइट इसी वाले इंग्लिश वाले idiom से हमारा ये हिंदी वाला मीनिंग निकला है मक्खन मत लगाओ ठीक है सो डोंट ट्राई ट्राई मतलब कोशिश भी मत करना ठीक है डोंट ट्राई एंड बटर मी अप मुझे कोशिश भी मत करना मक, मक्खन लगाने की ठीक है मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाली सो डोंट ट्राई एंड बटर मी आप ठीक है या फिर स्टॉप बटरिंग मी आप बोलो इतना क्लियर हो गया एवरी वन ठीक है यह गलती नहीं करेंगे हम यह गलती नहीं करेंगे एवरी वन बिल्कुल क्लियर चलो बहुत अच्छे अब अगला सेंटेंस देखो थोड़ा सा ही सेंटेंस को और और डिफिकल्ट डिफिकल्ट मतलब देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है बस सेंटेंस बड़ा होता है तो आपको डिफिकल्ट लगने लगता है हमने अभी एक छोटा सेंटेंस देखा अब हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा बना के देखते हैं कि अगर बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ा तो कैसे कहेंगे ठीक है इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा बना के देखते हैं मस्का मारना बंद करो सच बताओ कैसा प्रदर्शन रहा मेरा कई बार जब आप परफॉर्म करके आते हैं कुछ बोल के आते हैं तो आप अपने दोस्तों को पूछते हैं ना भाई कैसा काम किया कैसा परफॉर्म किया डांस करके आए गाना गा के आए ठीक है ठीके? या कुछ भी कुछ भी आपने परफॉर्मेंस दिया डेली लाइफ में होता है ऐसा कुछ ना कुछ आपने कहा होता है ठीक है फिर उसके बाद आप बोलते भाई कैसा परफॉर्म किया है ना तो हाँ बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया फिर आप हाँ बोलते अच्छा सुन मस्क मत लगा मस्क लगाना बंद कर सच सच बता कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस ठीक है सो so, मस्क मारना बंद करो सच बताओ कैसा प्र, प्रदर्शन रहा मेरा ये कैसे बोलोगे देखो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमने देख लिया मस्का मारना बंद करो ठीक है यहां तक हमने देख लिया सो स्टॉप बटरिंग मी फ्लैटरिंग मी डोंट बटर मी फ्लैटर मी ठीक है ये हमने देख लिया ओके okay, आगे सच बताओ सच बताओ अब सच बताओ बोलने के बाद आपने कहा कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस आपने क्वेश्चन पूछ लिया है ठीक है आपने क्वेश्चन पूछ लिया है अब इसको आप क्वेश्चन फॉर्मेट में भी कह सकते हैं और आप इसको एक वाक्य के फॉर्मेट में भी कह सकते हैं हम क्वेश्चन बाद में सीखेंगे पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं इनऑफ ऑफ दिस स्वीट टॉक स्वीट टॉक मतलब मीठी मीठी बातें ठीक है सो स्वीट टॉक अभी तो हमने बटर अप देखा ठीक है अभी तक हमने बटर अप देखा फ्लैटर देखा ठीक है वही मीठी मीठी बातें करना मस्का लगाना इनफ ऑफ दिस स्वीट टॉक बहुत हो गई तुम्हारी मीठी मीठी बातें ये बताओ कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा ठीक है यस वेरी गुड इनफ ऑफ दिस स्वीट टॉक इनफ ऑफ दिस स्वीट टॉक जस्ट गिव मी सिर्फ मुझे ये बताओ योर ऑनेस्ट ओपिनियन गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन इतना भी याद कर लो गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन मतलब सच बताओ गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन मतलब सच बताओ मेरे साथ साथ सारे बच्चे बोलेंगे सच बताओ सच बताओ मतलब गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन

राइट स्टॉप बटरिंग मी एंड टेल मी हाउ वाज माई परफॉर्मेंस वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत बढ़िया ठीक है ओके okay, चलो अच्छा अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं अच्छा एक गाना है ना मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है राइट सो so, यही ये सेंटेंस है प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है है ना अपने आप थोड़ी ना कोई जाके अपना सर मारता है ठीक है बस हो जाता है प्यार तो अंधा है ठीक है so, सो ये बताओ ये सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे ठीक है किया नहीं मतलब जानबूझ के नहीं किया ऑटोमेटिक हो गया अपने आप हो गया ठीक है so, सो प्यार किया नहीं जाता ना, किया नहीं जाता हो जाता है राइट ये सेंटेंस अगर आपको बोलना हो आप कैसे बताएंगे बताओ चलो देखते हैं कैसे बताएंगे आप ये आपके डेली लाइफ वाले सेंटेंसेस है ठीक है आप बोलते हैं ना लव इज ब्लाइंड आपको पता है देखो आपको किसी ने सिखाया लव इज ब्लाइंड इंग्लिश में बोलने के लिए प्यार अंधा होता है आप सीधा बोल देते हैं ठीक है लव इज ब्लाइंड राइट तो ये डेली लाइफ वाले सेंटेंसेस और लव इज ब्लाइंड एक लाइन सेंटेंस एक लाइन खाली इंग्लिश में आप बोलते हो और खुश हो जाते हो कि हो, हो मैंने तो इंग्लिश बोल दिया थोड़ी तो इंप्रेशन मैंने झाड़ दी है ना Yes, तो, ये तो इसके लिए तो आपको इंग्लिश नहीं सीखना पड़ा ना तो बिल्कुल ऐसे ही डेली लाइफ वाले सेंटेंसेस कुछ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ठीक है सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखेंगे डेली लाइफ में आने वाले सेंटेंसेस भी थोड़े से सीख लेंगे ठीक है और बस इतना इनफ हो जाएगा आप लोगों के लिए बिल्कुल किक स्टार्ट होना ठीक है आप लोगों के लिए बिल्कुल किक स्टार्ट हो जाने के लिए कि आप इंग्लिश धड़ाधड़ बोलना शुरू कर दो ओके लव इज नॉट डन लव ओके ठीक है लव इज नॉट डन ओके ठीक है चलो चलो ठीक है ठीक है देख ले अब इसके छोटा सा छोटा सा एक सेंटेंस है ठीक है लव इज मतलब तुरंत हो ही जाता है ठीक है लव इज का मतलब क्या सोच समझ के नहीं किया गया बस तुरंत हो गया ठीक है सर लव इज स्पॉन्टेनियस हम कैसे बोलेंगे इसको लव इज स्पॉन्टेनियस क्लियर एवरी वन ठीक है ऑल राइट ओके ठीक है चलो अगला सेंटेंस देखिए जरा Uh, you cannot love it. It takes place automatically. तुम तो ने बहुत, तुमने तो बहुत टेक्निकल बना दिया है इसको है ना बहुत 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 प्यारी प्यारी सी सिंपल सिंपल सी ये फीलिंग्स होती हैं ठीक है थीके? इतना टेक्निकल बनाने की जरूरत ही नहीं है लव इज spontaneous. ठीक है लव इज स्पॉन्टेनियस देखो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ शुरुआत करो छोटे सेंटेंसेस से छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्यूट-क्यूट से सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है? और इससे आपको कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आ आ जाएगा, आ जाएगा, फिर साथ साथ इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वी विल ओके चलो अगला सेंटेंस देखते हैं भाई अगला सेंटेंस देखते हैं जरा तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ आप अपने दोस्तों को पूछते ही है ना भाई कैसे आया इतने दिन से तो याद नहीं किया था ठीक है <laughs> कैसे आया तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ अगर आप ये पूछना चाहते हैं कैसे बोलेंगे बताओ कैसे बोलेंगे तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ और ये लाइन जो मैं आपको बताने वाली हूं ठीक है ये आप देखो जो भी हॉलीवुड मूवीज वगैरह इंग्लिश मूवीज आप देखते हैं वहां पे आपने जरूर ये लाइन सुना होगा नहीं सुना है तो मूवीज तो आप देखते हैं आपको बोला जाता है कि इंग्लिश सीखने के लिए मूवी इंग्लिश देखो ठीक है आप इंग्लिश सीखने के अलावा पूरी मूवी देख लेते हो सब कुछ सीख लेते हो ठीक है अब इसको अप्लाई करना वहां पर देखना ठीक है अगर किसी को पूछना है कि तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ कैसे पूछोगे बताओ हाउ यू केम हेयर हाउ यू केम हेयर का तो मतलब हो गया तुम यहां कैसे आए ट्रेन से आए बस से आए उड़ते हुए आए तैरते हुए आए कैसे आए तुम यहाँ हाउ यू केम हेयर हाउ यू रीच हेयर ठीक है तुम्हारा यहाँ कैसे

brings you here ठीक है दिमाग में फिट होना चाहिए आप बोलेंगे मैम ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस है हाँ लेकिन जब ये बोलना होगा तब ये तुरंत आएगा नहीं बाहर नहीं आएगा जब तक ये बिल्कुल दिमाग में फिट होगा ठीक है सो वट ब्रिंग्स यू हियर कैसे आना हुआ यहाँ ठीक है अच्छा चलो अगला सेंटेंस देखते हैं अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कई बार हम बोलते हैं ना कि मैंने तो जो करना था कर दिया अब फैसला तेरे हाथ में तेरे को जो करना है कर ठीक है सो अब फैसला तुम्हारे हाथ में और ये मैंने आप लोगों को वोकैबुलरी के क्लासेस में सिखाया है ठीक है एक ईडियम सिखाया है बहुत प्यारा सा ईडियम सिखाया है आज हम उस ईडियम को अपने स्पोकन में यूज करेंगे ठीक है अपने सेंटेंस में डालेंगे चलो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है जब हमें यह कहना होता है अब फैसला योर अराइवल फॉर वॉट नहीं नहीं योर अराइवल फॉर आगमन क्यों हुआ तुम्हारा नहीं 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 वॉट ब्रिंग्स यू हेयर ठीक है क्या बोलेंगे हम वॉट ब्रिंग्स यू हेयर छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखो ठीक है आज पहली क्लास है आज पहली क्लास के बाद अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना ठीक है कि कैसा लगा लग रहा है कि नहीं नहीं आज की क्लास की बात की हाँ मैम अब इंग्लिश सीख लेंगे थोड़ा सा किया थो। बट अब बिना तो नहीं होगा झूठी को को बातें नहीं कहना चाहती हूं कोई पिला दू कि नहीं मुंह से इंग्लिश निकलेगी मैंने सब भी देखा है ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ठीक है साथ साथ मिलके प्रैक्टिस करेंगे अब फैसला तुम्हारे हाथ में है ओके मी सी यस वेरी गुड सौरभ आई सी वन स्टूडेंट सौरभ का मुझे कमेंट देखा ठीक है बॉल इज इन योर कोर्ट इसका मतलब क्या है कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा ठीक है द बॉल इज इन योर कोर्ट नाव द बॉल इज इन योर कोर्ट नाव आपने इसलिए कह दिया क्योंकि अब अब के लिए आपने इसे यूज कर लिया अब फैसला तुम्हारे हाथ में नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट सारे बच्चे एक साथ में मेरे साथ में बोलेंगे ठीक है नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अब फैसला तुम्हारे हाथ में है अब निर्णय तुम्हें लेना है ठीक ओके क्लियर एवरी वन नाउ द डिसीजन इज इन योर हैंड्स ओके ठीक है ये बहुत सिंपल हो गया है ना अब द डिसीजन इज इन योर हैंड्स ये बिल्कुल सीधा सीधा इसका ट्रांसलेशन हो गया लेकिन जब आप ये बोलते हो तो सामने वाला बिल्कुल इंप्रेस हो जाता है रिमेंबर ये तुम कहां बोलने जाओगे ये कहां बोलने जाओगे ठीक है इंटरव्यूज में ठीक है या फिर किसी को जिसको इंप्रेस करना चाहते हो राइट right? इंटरव्यूज में बोल रहा हो वो आपसे पढ़े लिखे लोग हैं आपसे ज्यादा जानते हैं तो आप उनके लेवल की या उनसे कनेक्ट होने वाली या सेंटेंसेस यूज करते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं ये बंदा है खतरनाक है ना चलो ओके सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट ठीक है अगर आपको ये कहना है कि अब फैसला मेरे हाथ में है अब फैसला मेरे हाथ में जिसको जो करना था सबने कर लिया अब फैसला मेरे हाथ में बताओ कैसे कहोगे बताओ कैसे कहोगे फटाफट से भी आप लोग खुद बोलेंगे ठीक है इसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे और यहां पे मुझे बताओ नाउ द डिसीशन इज इन माय कोर्ट अब फैसला मेरा है ठीक है अब फैसला मेरे हाथ में इज नाउ द बॉल इज इन माय कोर्ट ओके चलो बहुत बढ़िया ठीक है नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं उसने मेरी जमीन हथियली कई बार ऐसा होता है ना अब जमीन की जगह पर कोई भी चीज अगर आपकी हथियाली गई है ठीक है कोई भी चीज कोई भी पर्सन गया है, आपसे तो आप अच्छा, गांव में, में, में भी होता है जमीन सबसे ज्यादा कीमती एसेट पहले भी था आज भी है ठीक है और इसके पीछे बहुत लड़ाइयां होती है ठीक है सो तो उसने मेरी जमीन हतिया ली हथिया लेने के लिए हथियार लेने के लिए हमने एक वर्ड देखा था सीज्ड ठीक है चलो मैंने आपको हिंट दे दिया है उसने मेरी जमीन ली मैं यह कहना चाहती हूं ठीक है सो कैसे कहोगे बताओ हथियाली है ये वर्ब है ठीक है हथियाली है ये वर्ब है इसके लिए मैंने आपको सीज वर्ड कह दिया है ठीक है क्योंकि एक्शन हो चुका है ठीक है उसने ओके okay, चलो स वेरी गुड नाव द बॉल इज इन माई कॉट वेरी गुड ही ग्रैबड माई लैंड ओके ग्रैब नहीं मलिक देखो ग्रैब का मतलब तो ऐसे कोई चीज छोटी मोटी चीज होती है जो ऐसे हमने छीन लिया ठीक है कोई खिलौना छीन लिया ऐसा ऐसी कोई चीज होती है तब हम ग्रैब कहते हैं ठीक है थेके? अच्छा ही land. Okay, लैंड ओके आप कह सकते हैं ही occupied my लैंड ठीक है कब्जा कर लिया उसने ठीक है फोर फीटेड माई लैंड फोर फीट का तो मतलब हो गया त्याग देना ठीक है ये तो नहीं होगा ओके okay, चलो देखते हैं ये देखो क्या आप ये कह सकते ही हैज सीज्ड माई लैंड क्या आप ये कह सकते हैं ही हैज सीज्ड या ही सीज्ड माई लैंड या है हमने बोला है तो हम प्रेजेंट में हैं

जबरन जबरदस्ती का मीनिंग होता है ठीक है अगर यस ही हैज सीज माय लैंड ओके बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो आ, देखो ये मीम किसी को याद है भैया मेरे मुंह से निकल गई मेरी जबान टूट गई थी ये मीम किसी को याद है भैया मेरे मुंह से निकल गई माफ कर दो मेरी जबान टूट गई थी याद है ये मीम किसी को बहुत वायरल हुआ था इनफैक्ट अभी भी वायरल है है ना अगर आपको ऐसा कुछ कहना है यह तो मेरे मुंह से निकल गया अगर आपको यह कहना है यह तो मेरे मुंह से निकल गया मैं कहना नहीं चाहता था ठीक है तो बताओ कैसे कहोगे यह तो मेरे मुंह से निकल गया आप अगर यह कहना चाहते हैं बताओ कैसे कहोगे इसके लिए कोई अच्छा यह भी मैंने आपको बताया है ये भी मैंने आपको बताया है चलो बताओ कैसे कहोगे कितने लोगों को यह मीम याद है जितने बच्चों को मीम याद है एक बार बताना तो हैंड्स अप करना तो और बाकी बच्चे इसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे हाँ ऑक्यूपाइड भी कह सकते हैं लैंड के लिए सिर्फ ऑक्यूपाई कह सकते हैं ठीक है ही हैज राइट इट्स माई फॉल्ट मेरी गलती है ओके स्टडी में ये बहुत बोला बारा बच्चा है पूरी सीधा बोलता है मेरी गलती है इट्स माई फॉल्ट ठीक है नहीं नहीं इट्स माई फॉल्ट मेरी गलती है नहीं यस वेरी गुड तुषार सिंह वेरी गुड हमने ये किया है स्लिप ऑफ टंग स्लिप ऑफ जिसके मुंह से निकल गई वो बोलेगा माई टंग जैसे मेरे मुंह से निकल गई तो मैं कहूंगी स्लिप ऑफ माई फिसल गई जबान का फिसलना आई सेड इट बाई मिस्टेक मैंने गलती से बोल दिया ठीक है अब ये सब तो देखो बहुत सिंपल सिंपल सा हो गया है ना इसी के लिए जब आपने ईडियम और इसीलिए वो वोकैबुलरी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, है ना अगर आपने इसी बात के लिए वकैबुलरी यूज कर लिया तो आप लोगों का लैंग्वेज और इंप्रेसिव लगता है और इसीलिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट के साथ सीखना वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो आप क्या कहोगे इट वाज अ स्लिप ऑफ माय टंग इट वाज अ स्लिप ऑफ माय टंग सारे बच्चे एक बार मेरे साथ-साथ बोलेंगे यह तो मेरे मुंह से निकल गया इट वाज अ स्लिप ऑफ My tongue, it was a slip of my tongue. एक साथ फिर से बोलेंगे यानी कि अंगती से, से कोई चीज निकल जाना yes, बिल्कुल आप कह सकते हैं गलत नहीं होगा I said it by mistake. बिल्कुल कह सकते हैं। अगर इतना भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं शुरू से कर दो लेकिन वही है कि और इम्प्रेसिव होने के लिए पहले तो शुरुआत करना जरूरी है लेकिन शुरू से शुरू करके शुरू पे ही खत्म कर देना कोई मतलब तो नहीं बनता ना हमें शुरुआत से शुरू तो करना है

एक बात बताओ किसी को अगर ये बोलना है कि मुझे घूरो मत घूरना बंद करो ठीक है तो आप कैसे बोलोगे देखो फिर से राइट right? मेरी, जुबान से, मेरी जुबान फिसल गई, उसी को हम कहते हैं स्लिप ऑफ माई टंग ठीक है tongue, ये ऑर्डर है और आप किसी को मना कर रहे हैं किससे शुरू होगा बताओ ये ऑर्डर है ठीक है किससे शुरू होगा बताएंगे फटाफट से किससे शुरू होगा आई विज नॉट ओके

याद रखना स्टेयर के बाद में एट आएगा ये तो ग्रामर में भी आपको हेल्प करेगा सेंटेंस भी आपका बन रहा है ना स्टॉप स्टेयरिंग एट मी स्टॉप घूरिंग भी नहीं बोलेंगे ठीक है स्टॉप स्टेयरिंग एट मी या तो कहिए स्टॉप स्टेरिंग एटमी बहुत बेसिक सेंटेंसेस हम शुरू कर रहे हैं ठीक है बहुत बेसिक सेंटेंसेस से शुरू कर रहे हैं आगे आने वाले हमारे क्लासेस में हम और एडवांस होते जाएंगे पहले हम डेली लाइफ के कुछ ऐसी चीजें हम सीख लेंगे जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए ठीक है सो क्या कहेंगे हम स्टॉप स्टेरिंग एटमी स्टॉप स्टेरिंग एटमी या फिर आप कहेंगे डोंट स्टेर एटमी या फिर आप कहेंगे डोंट स्टेर एटमी क्लियर एवरी वन एवरी वन ओके अच्छा ये मत कहना स्टॉप टू स्टेयर एट मी बच्चों बताओ मुझे इसका क्या मीनिंग हो जाएगा स्टॉप के बाद में अगर आपने टू प्लस वी वन बोल दिया तो बताओ इसका क्या मीनिंग होगा स्टॉप टू स्टेयर एट मी इसका मीनिंग क्या होगा बताओ ये तो बिल्कुल मत बोलना लड़कियां तुम तो बिल्कुल मत बोलना बदतमीजों से भरा हुआ है ये दुनिया ये बिल्कुल मत बोलना और लड़कों अपनी बहनों को ये बिल्कुल म... ऐसी इंग्लिश बिल्कुल नहीं सिखाना ठीक है इंग्लिश अगर गड़बड़ है तो ऐसी इंग्लिश तो एटलीस्ट बिल्कुल मत सिखाना इसका मतलब क्या है स्टॉप टू स्टेयर टू प्लस वी वन अगर आपने बोल दिया इसका मतलब ये है कि रुको और मुझे घूर के देखो ऐसे कौन बोलता है भाई ठीक है सो स्टॉप टू स्टेयर एट मी नहीं कहेंगे ठीक है स्टॉप टू स्टेयर एट मी ये बिल्कुल भी नहीं कहना इसका तो मतलब हो गया रुको और मुझे घूर के देखो ठीक है ऐसे कौन बोलेगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे ठीक है और ना किसी को ऐसी इंग्लिश सिखाएंगे ना किसी को ऐसी इंग्लिश सिखाएंगे क्लियर एवरी वन ठीक है स्टॉप के बाद में अगर आप कोई काम कर रहा है उसको रोकना है तो आप कहेंगे स्टॉप स्टेयरिंग एट मी क्या कहेंगे आप स्टॉप स्टेरिंग एटमी क्लियर एवरी वन ठीक है ओके okay. चलो ठीक है भाई ठीक है <laughs> अगला सेंटेंस अच्छा अगर वो घूरना बंद नहीं करेगा तो क्या करना है उसको बोलना है बाढ़ में जाओ और तुम वहां से निकल लो ठीक है ऐसी जगह पे रुकना नहीं है ओके okay. तो अगर ये कहना है बाढ़ में जाओ तुम कैसे कहोगे बताओ चलो ये तो तुम्हें पता है ये तो तुमने बोला ही होगा है ना ये बोलने के लिए तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जरूरत नहीं होती है ये तो तुमने सीख लिया होता है है ना बताओ मुझे अगर आपको कहना है बाढ़ में जाओ तुम कैसे कहोगे गुस्सा आ गया किसी की किसी किसी पर गुस्सा आ गया तो क्या कहोगे बताओ भाड़ में जाओ तुम आपको पता है आप क्या बोलते हो है ना गो टू हेल राइट ये बहुत सिंपल था ठीक है लेकिन अब ये सिंपल सी बात मैंने आपको क्यों बताई है क्योंकि इसके बाद हम लोग इसको किसी और चीज से कनेक्ट करने वाले हैं ठीक है यस गो टू हेल ये हमें पता है है ना यस अच्छा बताओ ये बोलने के लिए तो किसी ने इंग्लिश क्लासेस नहीं लिया था ना स्पोकन क्लासेस नहीं ढूंढा था ना राइट right? इतनी तो इंग्लिश आप बोल सकते हो ना अगर आप इतनी इंग्लिश बोल सकते हो तो यकीन मानो आप इंग्लिश बोल सकते हो ठीक है यकीन मानो इंग्लिश आप बोल सकते हो जो थोड़ी बहुत कमियां है वो हम यहाँ पे दूर कर देंगे ओके okay? ठीक है चलो अच्छा अगर तुम्हें कहना है भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी ठीक है भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी कोई हंस रहा है और तुम इरिटेट हो रहे हो तब आप कैसे कहोगे बताओ भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी अगर तुम्हें ऐसे कहना है तो कैसे कहोगे तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है भाड़ में जाओ तब तो तुमने बोल दिया गो टू हेल अगर तुम्हें कहना है भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी ठीक है तब कैसे कहोगे बताओ अब इसके लिए यस वेरी गुड देखते ओके okay, शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऑल राइट right, ठीक है देखो टू हेल विथ योर लाफिंग ठीक है एक्शन है ये हंसी है ना तो लाफ नहीं लाफिंग ठीक है टू हेल विथ टू हेल विथ मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता आई डोंट केयर टू हेल विथ मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता आई डोंट केयर भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी ठीक है इसके लिए आप क्या कहोगे टू हेल विथ योर लाफिंग

प्रेमियों के भाग जाने के लिए देखो ये वर्ब है भाग गए है ना ये वर्ब है राइट ये वर्ब है ये सब्जेक्ट है देखो बहुत छोटा सा सेंटेंस है बहुत छोटा सा सेंटेंस है दोनों प्रेमी भाग गए अगर आपको ये कहना है दोनों प्रेमी भाग गए प्रेमियों के भागने के लिए ये वर्ब है ठीक है तो यानी कि आपको सब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट पहचानना है सब्जेक्ट के लिए एक वर्ड चूज करना है और वर्ब और भाग गए मतलब ये हो चुका है वी में लिखना है ठीक है गो टू इनफर्नल ओके ठीक है ठीक है ठीक है इनफर्नल तो एडजेक्टिव हो गया बेटा टू के बाद में हमें या तो वर्ब यूज करना है या तो नाउन यूज करना है ठीक है इनफर्नो होता है नाउन हेल के लिए वर्ड है इनफर्नो खैर उस पर हम आएंगे पहले ये बताओ बोथ अच्छा मुझे ये बताओ बोथ बोला तो लवर कैसे बोलोगे ये तो वो वाला हो गया हम दोनों अकेले हैं है ना तो so, जब तुम दो हो तो अकेले कैसे हो बेटा है है ना सो बोथ 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 लवर्स 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 प्लूरल ठीक और प्रेमियों के भागने के लिए क्या शब्द था प्रेमियों के भाग जाने के लिए क्या शब्द था हमने पढ़ा था है ना एलोप राइट वेरी गुड बहुत बढ़िया देखो वो कैबलरी थोड़ा सा ग्रामर और प्रैक्टिस कैसे आपने कनेक्ट किया और सेंटेंस सही बना दिया ठीक है सो बोथ लवर नहीं बोलना बोत लवर वाले तो वो लोग हैं हम दोनों अकेले हैं जब तुम दो हो तो अकेले कैसे हुए ठीक है सो बोथ लवर्स लवर्स प्लूरल दो जन है प्लूरल है ठीक है सो बोथ लवर्स एलोप्ट प्रेमियों के भाग जाने के लिए क्या वर्ड है एलोप्ट ठीक है बोथ द लवर्स एलोप्ट क्लियर एवरी वन ठीक है सिंपल सा सेंटेंस था ठीक है सिंपल सा सेंटेंस ओके okay? चलो अब लास्ट हम इस सेंटेंस से आज की क्लास अपनी खत्म करेंगे इस सेंटेंस से हम आज की क्लास खत्म करेंगे ठीक है ये मैं आपको कहना चाहती हूं कि परेशान मत हो अगर आप परेशान हो रहे हैं ठीक है ग्रामर और वोकैबुलरी तो हम सीख ही रहे हैं साथ साथ जो भी बच्चे अपना स्पोकन इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्पोकन के लिए जो भी चीजें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो गया डेली लाइफ वोकैबुलरी हो गया डेली लाइफ सेंटेंसेस हो गया वो सब हम यहां पे करते जाएंगे सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया ठीक है आज हम लोग ने सिर्फ सेंटेंसेस से शुरू किया है कई बार आपको सवाल पूछ होते हैं तो हम सवाल कैसे पूछेंगे वो सारी चीजें हम यहां पे करेंगे ठीक है मैं आपको ये कह रही हूं परेशान मत हो मैं तुम्हारे साथ हूं ठीक है परेशान मत हो मैं तुम्हारे साथ हूं ठीक है अगर मुझे ये कहना है तो बताओ कैसे कह सकते हैं कैसे कह सकते हैं बताओ आई डोंट बी अपसेट आई एम विथ यू चलो ये वेरी गुड बहुत अच्छा है ये बिल्कुल सही है डोंट बी अपसेट डोंट वरी डोंट फियर वेन आई एम हियर ये तो कूल cool तरीका है बोलने का है ना डोंट फियर वेन आई एम हियर मैं यहां हूं तो डरो मत परेशान मत हो ठीक है सो so ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको बोला वो भी कूल cool बनने के लिए कभी कभी दोस्तों के साथ में ऐसे भी सेंटेंसेस बोलने की जरूरत पड़ती है हमें है ना डोंट फियर वेन आई एम हियर ठीक है ओके okay, तो ये भी सेंटेंसेस आप याद कर लेंगे ठीक है लेकिन सही तरीके से हमें इंग्लिश कैसे बोलना है वो भी थोड़ा थोड़ा याद करते जाना परेशान मत हो देखो स्टार्टिंग में आपने क्या बोला है परेशान मत हो है ना सो so, यानी कि डोंट से हमें शुरू करना है डोंट या स्टॉप से शुरू करना है ठीक है मैं मैं तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हारे साथ हूं के लिए आई एम विथ यू सबसे सिंपल सबसे सिंपल सेंटेंस तो यही है कि आई एम विथ यू आई एम यू मैं तुम्हारे साथ हूं बहुत सिंपल सा सेंटेंस हो गया है ना आई एम विध यू बहुत सिंपल सा सेंटेंस हो गया अगर थोड़ा सा जैसे जैसे पहले सिंपल से ही शुरू करना अगर आपको यह भी समझ नहीं आ रहा है यह भी आपका दिमाग नहीं बोल रहा है तो आप यहीं से शुरू करना अगर आपके दिमाग में यह सेंटेंस आ रहा है तो इसका नेक्स्ट वर्जन अपडेटेड वर्जन देखो अपडेट अगर अपने आप को नहीं करोगे तो आउटडेट हो जाओगे अगर अपने आप को बच्चों अपडेट नहीं करोगे तो आउटडेट हो जाओगे तो लगातार आपको अपने आप को अपडेट करते रहना है ये नहीं कि एक चीज सीख ली बस बस अब तो हो गया कॉम्प्लेसेंट हो जाए इससे काम नहीं चलेगा ठीक है वर्ल्ड आज की दुनिया बहुत तेजी से चल रही है बहुत तेजी से चल रही है आपको अपने आप को अपडेट करते चलना पड़ेगा अगर आपको यह भी सेंटेंस दिमाग में नहीं आ रहा है तो पहले ये सीखो आई एम विथ यू मैं तुम्हारे साथ हूं जिन बच्चों के दिमाग में ये सेंटेंस आ रहा है आई एम विथ यू अब ये देखो किसी चीज को और अच्छे से कैसे बोल सकते हो इसी चीज को और अच्छे से कैसे बोल सकते हो गॉड टू योर बैक गेट योर बैक या हैव योर बैक का मतलब होता है साथ हूं मैं तुम्हारे साथ हूं ठीक है गॉट योर बैक या का मतलब होता है मैं तुम्हारे साथ हूं मैंने आपको कहा आई हैव गॉट योर बैक मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं मैंने आपको कहा आई हैव गॉट योर बैक मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं ठीक है अगर मुझे कहना है कि तुम मेरे साथ हो तो मैं कहूंगी यू हैव गॉट माई बैक यू हैव गॉट माई बैक ठीक है अगर मैं कहना चाहती हूं कि मैं तुम्हारी साथ हूं तुम्हारा साथ दे रही हूं ना तो योर बैक आई हैव गॉट योर बैक मैं तुम्हारे साथ हूं सो डोंट वरी एक महीने में इंग्लिश ठीक है चलो अपने आप मुझे निकलेगी मान लेते हैं ठीक है राइट स्टॉप डिस्टर्बिंग नहीं बेटा डिस्टर्बिंग का तो मतलब हो गया आप किसी को डिस्टर्ब uh, कर रहे हैं है ना मतलब uh, किसी को डिस्टर्ब जैसे काम कर रहा है वो अटेंशन दे रहा है वो ध्यान दे रहा है और आप उसका ध्यान भटका रहे हैं तो डिस्टर्बिंग वर्ड सही नहीं है ठीक है डिस्टर्बिंग वर्ड सही नहीं है इज दैट क्लियर एवरी वन डोंट बी वरीड नहीं डोंट बी वरीड बोलने की जरूरत ही नहीं है प्रकाश सिंपली कह दो डोंट वरी सिंपली कह दो डोंट वरी दैट्स इट कॉम्प्लिकेट क्यों करना मामले को ठीक है डोंट वरी डोंट वरी मतलब परेशान मत हो डोंट वरी मतलब परेशान मत हो मैं तुम्हारे साथ हूं आई एम विथ यू आई हैव गॉट योर बैक आई एम विथ यू आई हैव गॉट योर बैक इज दैट क्लियर एवरीवन आई हैव गॉट योर बैक सो बोलेंगे। आई हैव गॉट योर बैक इसका मतलब है मैं तुम्हारे साथ हूं सो डोंट वरी तो परेशान मत हो सो डोंट वरी तो परेशान मत हो ओके okay? ठीक है ऑल राइट right. अच्छा हमारे पास और एक सेंटेंस है अब uh, मुझे लगा वो लास्ट सेंटेंस था मैंने लास्ट में फिर से एक सेंटेंस ऐड कर दिया था हम कहते हैं ना भगवान करे तुम्हारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए भगवान करे जो स्पोकन इंग्लिश हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो आप लोगों को आपके इंटरव्यू में आपके जीडी में किसी को इंप्रेस करने में आपकी मदद करे भगवान करे अगर हमें कहना है तो भगवान करे के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है इसको याद कर लो इसको एज इट इज याद कर लो Will, मतलब गॉड रही हम कहते हैं ना भगवान ने चाह तो भगवान की इच्छा रही तो भगवान करे ठीक है so, सो हम इसके लिए क्या कहते हैं गॉड विलिंग हम इसके लिए क्या कहते हैं बच्चों गॉड विलिंग राइट फिकर नॉट आई एम विथ यू फिकर नॉट हैव गॉट योर बैक ठीक है ओके क्लियर एवरी वन सो आज के क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ठीक है और जाने से पहले अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगा है तो फटाफट -फड़ से क्लास लाइक like कर दीजिएगा ठीक है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो अपने आसपास के दोस्तों के साथ में शेयर करो माहौल बनाओ यहां पे तो थोड़ा सा माहौल देखो मैं बना रही हूं ठीक है इस माहौल को आपको कंटिन्यू करना है बोलते रहना है ठीक है क्योंकि जब आप थोड़ा सा फ्लो में आ जाओगे फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक माहौल चाहिए होगा ठीक है ये ग्रामर नहीं है कि मुंह बंद करके आप इंग्लिश सीख लोगे ये स्पोकन है जिसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी ठीक है आई हैव गॉट योर बैक मैं पे हूं मैं तुम्हारे साथ हूं चिंता मत करो लेकिन माहौल तुम्हें बनाने की जिम्मेदारी लेनी है और remember, याद है ना मुझे क्या किया या हम ऑल्टरनेट वेडनेसडे और फ्राइडे आप लोगों की जैसी जरूरत होगी मुझे बता देना उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्लास शेड्यूल करेंगे बहुत मेहनत कर रही हूं इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद दिन में क्लासेस कंटेंट इतना सारा काम सब कुछ होने के बाद ये जो स्पेशल क्लास है आप लोगों का कॉन्फिडेंस आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों की पर्सनैलिटी आप लोगों के कॉन्फिडेंस पर भी काम करने के लिए किया जा रहा है ठीक है तो जम के साथ दीजिएगा जम के प्रैक्टिस करिएगा और फिर उसके बाद में जम के इंग्लिश बोलेंगे क्यों बिकॉज वी कैन एंड वी विल स्पीक इंग्लिश फ्लूएंटली ओके चलो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड कीप लर्निंग Keep growing. Do not forget to share your experience in the comment section below. And if you like this video and you haven't liked it yet, hit the like button and then go. That's all for now. Thank you so much for getting connected. Keep learning, keep growing. Namaste, Ram Ram, and Jai Hind, everyone.